नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बांदा में प्राइवेट बस पलटी जिसमें 21 यात्री घायल हो गए। आपको बता दें, पूरा मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र के ग्राम उमरनी के पास का है, जहां पर प्राइवेट बस बांदा से कमासिन जा रही थी। उसी समय ग्राम उमरनी के पास बस पलट गई, जिसमें लगभग 21 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों और 108 व 102 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। वहीं घटनास्थल पर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बबेरू उप जिलाधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह ने सभी घायलों को बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साधनों के द्वारा भिजवाया। अरे ये चंदन समेत उठा लो ना जी, ऐसे उठाओ यहाँ से। हम पंडित जी आपको काम करेंगे। चंडीगढ़ क्या दादू नाम है आपका? कहाँ जा रहे थे आप बस में? नवली। अच्छा, तो कहाँ पर पलटी है बस? अरे बेरा की थोड़ी देरी पर थी, उमराहनी के पास। कितने लोग सवार थे उसमें? बहुत सवारी थी। अच्छा, पूरी पलट गई थी बस? पूरी पलट गई। कितने लोग घायल होंगे? अभी कम से कम अब आधे से ज्यादा तो घायल है उसमें। अच्छा, यहाँ अस्पताल आए हैं आप? नाम साहब कमल सिंह है। कमल सिंह, कहाँ जा रहे थे आप? मैं साहब गांव अपने जा रहा था। अच्छा, तो गांव। अच्छा, कहाँ कहे में जा रहे थे आप? बस में जा रहा था। तो क्या हुआ है? वहाँ गाड़ी पलट गई है बस। किस जगह? करीबन उमराहनी पहुँचते ही। कितने लोग सवार थे उसमें? उसमें 150 आदमी था, 150 करीबन। अच्छा, तो यहाँ घायल अवस्था पे आपको लाया गया है? जी जी। यहाँ पर इलाज चल रहा है? हाँ सर जी, अभी इलाज हुआ। इंजेक्शन लगा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल सिंह है, ग्राम बिनौट का रहने वाला। क्या नाम है आपका? मुकेश चंदन। ये बस कहाँ से कहाँ जा रही थी जब ये दुर्घटना हुई? बांदा से राजापुर। ये कितने लोग घायल हुए हैं इस बस में? 20 की संभावना है, पता है, इंटरनेट देखा है। बांदा से केकेडी न्यूज़ संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए केकेडी न्यूज़।